लेकिन वो दुर्भाग्य से क्रैश हो गया। इस हादसे के बाद जो हवाई जहाज क्रैश हुआ था उसमें जो चिट्ठियां थी उसको बटोर करके उन लोगों तक पहुंचाने की पूरी कथा उस मूवी में है, किस प्रकार से उन चिट्ठियों का जतन किया गया था और ऐसे जैसे किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए कोशिश हो रही है वैसी कोशिश डाकिये उस चिट्ठियों को बचाने के लिए कर रहे थे। हो सकता है शायद आज भी YouTube पर ये मूवी हो तो जरूर आप देखिएगा। और उन पत्रों में कितनों का दुलार था, संदेश था, चिंता थी, शिकायतें थी। चिट्ठियों में आत्मीयता ही उसकी आत्मा होता है। आज भी मुझे सैकड़ों की संख्या में हर रोज चिट्ठियां मिलती हैं। पोस्ट विभाग का भी काम बढ़ गया है मैं जब से आया हूं। कोई चिट्ठी तब लिखता है ना जब उसको भरोसा हो। और मेरा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है उसको लेकर के भी हर महीने हजारों चिट्ठियां आती है। ये पत्र लोगों के साथ मेरा सीधा संवाद स्थापित करते हैं। जब वो चिट्ठियां पढ़ता हूं तो लगता है कि लिखने वाला सामने ही है, अपनी बात सीधे मुझसे कह रहा है। साथियों, हमारी सरकार के अप्रोच समय के साथ चलते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव की है। हम वो पुरातनपंथी नहीं है, हम समय के साथ बदलने वाले लोग हैं, हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने वाले लोग हैं। देश की, समाज की, समय की मांग के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित करने के पक्ष में है। जीएसटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया हो, ऐसे अनेक प्रयासों की कड़ी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी अब जुड़ गया है। हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को अपने हाल पर छोड़ने वाली नहीं बल्कि रिफॉर्म, परफॉर्म और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है। बदलती टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और माध्यम भी बदले हैं, भले बदले हो लेकिन मकसद तो अब भी वही है। अंतर्देशीय पत्र या इनलैंड लेटर की जगह अब भले ईमेल ने ले ली हो लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। और इसलिए जिस टेक्नोलॉजी ने पोस्ट ऑफिस को चुनौती दी, क्योंकि लोगों को लग रहा था अब ये डाक विभाग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चिंग द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और द IPPB दैट सीक्स टू लेवरेज द एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ऑल द मासेस। दिस इवेंट इज बीइंग हेल्ड एट द तालकटोरा स्टेडियम इन द नेशनल कैपिटल अलॉन्ग विद साइमल्टेनियस लॉन्च इवेंट्स एट 650 ब्रांचेस एंड 3,250 एक्सेस पॉइंट्स दैट विल गो लाइव। एंड इन फैक्ट दिस इज ऑल्सो बीइंग लुक्ड एट वन ऑफ द बिग इवेंट्स दैट वी आर लुकिंग। दिस मूव इज गोइंग टू टेक द banking services to India's hinterlands, and that is of course Prime Minister Modi launching the India Post Payments Bank.